हेलो स्टूडेंट्स अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रूव दैट इफ टेन ए इज इक्वल टू थ्री बाई फोर देन साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव सो लेट्स इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे टेन ए इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एंड प्रूव क्या करना है टू प्रूव साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 12 बाई ट्वेंटी फाइव सो लेट सी सोल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो एक्चुअली अब हमें क्या करना हमें चाहिए क्या यहाँ पे साइन ए और कौशे की वैल्यू तो हम यहाँ पे क्या करते हैं टेन ए की हेल्प से कौे तो फाइन कर ही सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी तो देखिए हमें दे रखा है क्या टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सॉरी टेन ए दे रखा है हमें है तो ना टेन ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी थ्री बाई फोर इसका स्क्रिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू नाइन बाई सिक्सटीन तो हमने क्या करना है? दोनों ही साइड में वन ऐड कर देना है तो टेन स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन प्लस वन तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हम जानते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस वन कितना हो जाएगा स्क्वायर ए और राइट right साइड में जो एडिशन है वो कितना ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई सिक्सटीन हम यहाँ पे आइडेंटिटी जानते हैं क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ओके तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं सेक ए सेक ए इज इक्वल टू निकल जाएगा क्या प्लस माइनस फाइव बाई सिक्सटीन क्या निकल जाएगा सॉरी फाइव बाई फोर निकलेगा ना तो एक्चुअली हमें यहाँ से क्या करना है पॉजिटिव नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करना है तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव बाई फोर तो हमने क्या निकाला सेक ए निकाल लिया अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए कॉस ए की वैल्यू चाहिए ना तो इसका इनवर्स कर देंगे हम जानते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेक A होता है है ना तो इसको लिख दिया वन अपॉन सेक ए पहले और ये कितना हो जाएगा फिर इनवर्स किया तो फोर बाई फाइव और इसे हम लिख सकते हैं क्या कॉस ए इज इक्वल टू फोर बाई फाइव तो अब हमें चाहिए साइन ए तो वी नो दैट साइन इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ वन माइनस ए ये कैसे हुआ देखिए हमें पता है कि आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो यहां से रिजल्ट से हम निकाल इस रिजल्ट से हम निकाल सकते हैं देखिए कॉस थीटा का ट्रांसफर किया तो वन माइनस कॉस स्क्र थीटा हो गया और इधर स्क्वायर होने के कारण से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ वन माइनस थीटा तो इम्प्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ वन माइनस यहां पे रखा कॉस ए की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगी स्क्वायर होने के साथ डिवाइड ट्वेंटी फाइव तो इम्प्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ये सब होकर कितना हो जाएगा नाइन डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव तो इम्प्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री फाइव uh, तो अब हमने क्या करना है कॉस ए और साइन ए का मल्टीप्लाई तो चलिए देखते हैं नाउ साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन ए की वैल्यू थ्री बाई फाइव इंटू कॉस ए की वैल्यू कितनी फोर बाई फाइव इज इक्वल टू कितना हो गया ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव क्या हमने बिल्कुल यही प्रूफ करना था एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ये येस ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव ही प्रूफ करना था ना मैं दिस इज ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव सो हम फाइनल रिजल्ट लिख देंगे यहाँ पे सो साइन ए इंटू कॉस एज इक्वल टू ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव प्रूव्ड सो आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस सॉल्यूशन थैंक यू